वहाँ पर मैं बहुत जोर का बरसा था और टेम्पो आया था, टेम्पो को लारा घींच के ले गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तारीख है 26 जून 2021 और अभी टाइम हो रखा है शाम के 4:40 और अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, खूब बारिश आई है, गर्मी को दूर कर दिया बारिश ने, अभी भी थोड़ी बूंदाबारिश हो रही है, ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा है अभी गांव, ठंडी हवा, लिटरली बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं भाई, पहले जैसे दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही थी ना, अब देखो वहाँ तक पानी पानी दिखाई दे रहा, देखो वहाँ तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, जहाँ पानी रुक सकता था वहाँ पानी पानी हो गया है। ये देखो तालाब सा बन गया है, बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड बन गया है तालाब। इधर हमारी ट्रॉली में पानी घुस गया है, देखो। A few moments later. Hello guys, आज हम नए थे और वहाँ पर मैं बहुत जोर का बरसा था और टेम्पो आया था, टेम्पो को लारा घींच के ले गया और हमने सभी नहाए थे ना, तभी उसी टेम्पो को धक्का मारा और वो टेम्पो उधर को करंट के पास जा रहा था। ये रही करंट की तारें, आपको दिखा देते हैं, ये बच्चे खड़े हैं और यहाँ पर नदियाँ बह रखी है कितनी बड़ी, और तो भाई ये है इस मेरी गली के सभी स्मॉल ब्लॉगर जो कि ब्लॉग करते हैं। ये देखो ये जॉन सीना है। The next day. Very good morning guys. अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मुझे सुबह सुबह ही कहीं जाना पड़ा और ये देखो भाई क्या हरियाली ही मस्त हो रखा है एकदम भाई, अब क्या कर किया जाए बताओ, आगे कीचड़ है और इधर से मैं लेके नहीं जा सकता क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ ये कुछ बो रहे हैं इसके अंदर भाई, कीचड़ में घुसानी पड़ेगी गाड़ी को, लेकिन चलो भाई घुसाएंगे क्या, चल दिक्कत है अभी। मेरे पास माउंट है नहीं इसका फ़ोन लगाने का, मैं सीधा डैशबोर्ड पे रखता हूँ तो वो गिर जाता है बार बार, में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई। गेट तो खुला ही है, चलो घुसा देते हैं अंदर गाड़ी। गिर गया भाई एक बार फिर से फोन, मेरे बाल थोड़े चंपू जैसे हो रखे हैं, लेकिन भाई हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो भाई मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ और आज हमारे बना रहे हैं सेवैयां, क्या प्रोसेस रहती है क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो चारपाई है जिसको उल्टा करके और इस पे धागे धागे बांध दिए हमने, और ये है मशीन जिसपे कि मैं बैठा हूँ भाई, मेरे साथ पोपट हो गए, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करके छोड़ी थी लेकिन वो हुई नहीं रिकॉर्डिंग कोई कारणवश, और वो देखो इतनी सही बना दी है हमने, अभी आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये है गाइस मैदा, ठीक है, और इसमें इसको गूंद के रख रखा है, और ये है हमारी मशीन देख लो, ये कुछ इस तरह की मशीन है, इसके अंदर आटा डालते हैं इसके अंदर और यहाँ से निकलती है सेवैयां, इसको हाथ से चलाना पड़ता है ऐसे, और यहाँ पे बैठ के आराम से और चला लेता हूँ।
2000 years later. तो भाई ये डिश है जो हमने सुबह बनाई थी, इसमें इतनी मेहनत की थी इतनी सी के लिए, लेकिन वो अभी पड़ी है और काफ़ी सारी वो भी खाने वाले हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इस टाइप ये सिंपली हमने क्या किया, इसके प्रोसेसिंग बता देता हूँ आपको। दूध लिया है और उसको इसमें उबाल लिया और उसके बाद में घी और चीनी डाल दी, ऐसी प्रोसेसिंग। ये मतलब देसी नूडल्स बोल सकते हो आप इसे, अभी खाया जाए। और ये जो बर्तन है ना, ये किस धातु का पता है, कांसी का। ये आज स्पेशल मैंने नीचे उतरवाया मम्मी से। कितनी बड़ी है देखो, भारी बहुत है ये, लगभग 1 किलो की थाली है। चलो अभी खाया जाए थोड़ा वो क्या कहते हैं देसी स्टाइल में। सूरज ढल के उग चुका है, जून से जुलाई आ चुका है, पोपटलाल की शादी हो चुकी है, नोबिता बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक अपना ब्लॉग एंड नहीं हुआ। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतने रखते हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।